हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है दीपक सिंह और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल मिस्टर प्लम्बर एंड इलेक्ट्रिशियन में। गाइस, जैसे कि थंबनेल देखा होगा, आज इस वीडियो में आपको क्या सीखने को मिलेगा। तो गाइस, आज इस वीडियो में बताऊंगा, जैसे हमारी वन पीस टॉयलेट सीट है, अगर उसका बॉल को ख़राब हो जाए तो उसको किस तरीके से ठीक किया जाता है। तकरीबन मैंने जितनी भी वीडियो बनाई है आपको मैंने दिखाया है कि ख़राब होने के बाद मैं उसको चेंज कर देता हूँ, बट आज इस वीडियो में कुछ अनोखा सीखने को मिलेगा कि बॉल को रिपेयर किया जाता है, वो किस तरीके से किया जाता है आपको कम्प्लीटली इस वीडियो में बताऊँगा। और गाइस, ये जो वन पीस टॉयलेट सीट के जो बॉल कोक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। आपका जो पहले प्रकार का जो है ये मैं आपको ठीक करके दिखाऊंगा, दूसरा जो बॉल कोक होगा वो मैं अलग किसी वीडियो में बताऊंगा और पूरे अच्छे तरीके से इस वीडियो में बताऊंगा कि बॉल कोक को ठीक कैसे किया जाता है। तो पहले मैं आपको इस बाथरूम के अंदर जो बॉल कोक है वो ख़राब है वो किस तरीके से आपको दिखाता हूँ, कहाँ से कैसे पानी लीकेज होता है मैं इसमें बताता हूँ मैं आपको। आइए मेरे साथ। जैसे गाइस, ये देखिए वन पीस टॉयलेट सीट, और इसमें देख सकते हैं यहाँ पे पानी के दाग लगे हुए आपको दिख रहे होंगे, वो देखिए वो बीच में पानी के दाग हैं जो कि पानी इसमें से लीक हो रहा था। हमने लैंगल वॉल पीछे से बंद कर रखा है, बट नहीं से यहाँ तो पानी निकलता था थोड़ा थोड़ा, बट अब किस लीकिंग का कारण क्या है कि यहाँ पर हमने चेक कर लिया टॉयलेट सीट के अंदर से, जो कि ये साइफन ठीक है, इसको कुछ नहीं हुआ, ये पानी बिल्कुल सही से रोक रहा है, बट ये जो हमारा ये बॉल कोक है ये वाला, ये पानी सही नहीं रोक रहा। इसको हम किस तरीके से ठीक करेंगे, ये देखिए ये वाला ये जो सिस्टम है ये ख़राब है, तो इसमें भी एक पत्ता होता है, उसको किस तरीके से खोल के कैसे ठीक किया जाएगा आपको मैं कंप्लीट इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले गाइस हम एंगल वाल को बंद करेंगे, हमने एंगल वाल बंद कर लिया और इस जो ये बॉल को क्या इसको निकालेंगे किस तरीके से, नीचे से हाथ डालेंगे क्योंकि ये देखिए बिल्कुल कम्प्लीटली यहाँ पर दीवार के साथ चिपकी हुई है सीट, तो इसको निकालने के लिए हमने करना क्या है, यहाँ नीचे से इसके हाथ डालना, जो नीचे इसके कनेक्शन पाइप होगा उसको खोलेंगे। तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा बट मैं आपके सामने खोलता हूँ। तकरीबन प्लम्बर भाई को तो पता ही होगा, अगर कोई आम क्लाइंट बंदा भी वीडियो देख रहा है तो उसको समझ में आ जाएगा कि क्या सिस्टम है। तो मैं आपको बॉल को खोलता हूँ, पहले इस चीज़ के बारे में बताऊँगा। बॉल को खोल दिए हमने, कनेक्शन पाइप खोल दिया, ये देखिए अब इसके बाद हम बॉल कोक को निकालेंगे। पहले हम इसका पानी निकाल लेते हैं, ये सारा सिस्टम बिल्कुल सही है। अब इसका बॉल कोक बाहर निकालेंगे, जैसे कि हम नीचे से नट बोल्ट खोल रहे हैं इसका जो भी है, खोलने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये हमने बॉल कोक को बाहर निकाल लिया, तो इसको किस तरीके से ठीक करेंगे मैं आपको अभी कंप्लीट दिखाता हूँ। बाहर लेके आते हैं, ये देखिए यहाँ पे हम आ चुके हैं। और इस बॉल कोक में क्या दिक्कत है कि जो अगर ये इसका कारण है कि ये पानी ना रोके, मतलब ये पानी नहीं रोक रहा है, जैसे यहाँ से पानी ये बॉल है इसको ऊपर कर देती है बट इसमें से पानी नहीं रोक रहा है, पर क्या कारण है इसको ठीक करें, किस तरीके से करेंगे, ये देखिए यहाँ पर हमने ये देखिए यहाँ से हमने ये सिस्टम निकाल लिया। अच्छा, अगर आपके पास कोई टूल नहीं है, कोई भी नहीं है, तो ये देखिए ये सिस्टम लगा होता है यहाँ पे, सारे बॉल को तकरीबन इसी तरीके के होते हैं, तो उसको किस तरीके से ठीक करेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए इस ये जो पत्ती लगी हुई है ये वाला, ये बीच में इसे क्रॉस किया गया, इसको हम बाहर निकालेंगे इस तरीके से। ध्यान रखें इसका, इसके बिना ये बॉल को किसी काम का नहीं है, सारा जो पार्ट्स है यहीं पर रखेंगे। और यहाँ पर हमने इस बॉल को इस तरीके से बाहर निकालना है, ये बॉल बाहर निकला है, क्योंकि मैंने पहले ही किसी वीडियो में आपको ये नहीं बताया कि इसको ठीक कैसे किया जाता है। कुछ क्या करते हैं यहाँ पे, वो डाल देते हैं हमारा जो हार्पिक होता है टॉयलेट हार्पिक, यहाँ से डाल देते हैं। डालता तो मैं भी था बट मैं कार आपको बताऊंगा अभी ठीक कैसे होगा। जो यहाँ पे ये जो सिस्टम लगा हुआ ना, ये छोटा सा जो लॉक सिस्टम है यहाँ पर, इस लॉक को खोलना है। किस तरीके से खुलेगा, यहाँ पर हम हाथ से इस तरीके से थोड़ा सा उल्टी साइड घुमाएँगे, जो राइट या लेफ़्ट साइड, लेफ्ट साइड घुमाएंगे, राइट नहीं घुमाएंगे, लेफ़्ट घुमा करके इसको बाहर निकालेंगे। तो गाइस कारण क्या है, ये देखिए इस पत्ते में ये कचरा जमा हुआ है, ये यहाँ पे कचरा, ये देखिए जो पानी के अंदर कचरा होता है वो है यहाँ पे, ये देखिए ये आपको दिख रहा होगा, ये देखिए दिख रहा है, ये देखिए इस कचरे को पूरे अच्छे तरीके से इस पत्ते को साफ़ कर देना है। देखिए यहाँ से इसको साफ़ करना है, क्योंकि ये बॉल को ठीक हो जाता है। ये देखिए ये हमारा
पूरे अच्छे तरीके से इसको साफ़ कर रहे हैं, इसको साफ़ करना है। और किसी भी मतलब आप टूल लेके इसको बाहर निकाल देना, मैं भी आपको निकाल के दिखाता हूँ। तो गाइस ये देख सकते हैं आपके सामने हमने एक सुई लिया, जो सुई मशीन जो होती है कपड़े के लिए, जो भी रजाई वगैरह के लिए। तो इस सुई के साथ हमने इसके रबड़ को बाहर निकाला है। यहाँ से देखिए यहाँ पे भी कचरा लगा हुआ है, ये देखिए ये कचरा लगा हुआ है, इसको भी हमने निकाला। और पत्ता है जो ये रबड़ रिंग है, इसको पूरे अच्छे तरीके से साफ़ कर देंगे, इसके ऊपर कोई भी कचरा वगैरह ना हो। ये देखिए यहाँ पे साइड पे कितना कचरा लगा हुआ है, ये देखिए। इस चीज़ को पूरे अच्छे तरीके से देख के हमें साफ़ करना है, क्योंकि ये रबड़ रिंग अगर आपकी कट फट गई है अगर कहीं से, तो कट फट का इलाज नहीं है। अगर आपके किसी रिटेलर ने कट फट रबड़ ये आपको ला कर के देता है फिर तो ठीक है, अगर नहीं ला कर देता फिर आपको बॉल को नया लगाना पड़ेगा। तो ये देखिए हमने यहाँ से ये कचरा काफ़ी निकाला है, पहले स्टार्टिंग में काफ़ी कचरा था इसमें, जो कि हमने तकरीबन साफ़ कर दिया। और ये तकरीबन हमारा जो पत्ता है, जो ये रबड़ रिंग है, साफ़ है बिल्कुल। बट अब इसको क्या है कि अब एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे इस जगह पे छोटे छोटे निशान दिए गए हैं, इन निशान वाली जगह को भी पूरे अच्छे तरीके से हमने कंप्लीट साफ़ करना है, क्योंकि इसी निशान के वजह से यहाँ से पानी क्रॉस होता है और वहाँ से निकलता है और यहाँ पे हमारा रबड़ रिंग लग जाता है, ऊपर से इसको बंद कर देता है और ये रबड़ का प्रेशर बन जाता है, ऐटोमेटिक पानी को बंद कर देता है। तो ये होल भी हमें साफ़ करना है पूरे अच्छे तरीके से, इसके अंदर से हमने सुई क्रॉस करके हमें सफाई करनी है और ये सारा कचरा यहाँ से निकालना है, जो कि हमने निकाल दिया है। ये बिल्कुल कंप्लीट साफ़ हो चुका है और हमने फिर इसको वैसे का वैसा लगा दिया, जो कि ये देख सकते हैं, ये देखिए ये बिल्कुल कंप्लीट रेडी हो चुका है। तो गाइस ये हमने बिल्कुल कंप्लीट साफ़ किया है। अब इसके बाद यहाँ अगर आपके कचरा वगैरह जमा है तो इसको भी हमें साफ़ कर देना है, हार्डपिक वगैरह डाल करके इसको अच्छे तरीके से अंदर से साफ़ कर देना है। और इसके बाद हमने क्या करना है, हमने बिल्कुल सेम प्रोसेस के ज़रिए से उसी तरीके से हमने उसी डायरेक्शन में इसको इसी के अंदर एडजस्ट करना है। जैसे कि ये देखिए हमने यहाँ पे अटकाया इसको, और अटकाने के बाद हमने इसको फिर से लॉक कर दिया, ये लॉक हो चुका है, अब ये नहीं हिलेगा। अब यहाँ पे ये देखिए आपकी ये यहाँ पे रबड़ रिंग है ये वाली ब्लैक कलर की, इसको भी आपने अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है। और इसको फिर ये सारे बोल जैसे यहाँ पे सारे में शोरा लगा होता है, कलर होता है, वो आपको कंप्लीट साफ़ करना होगा, क्योंकि बोल को भी दिक्कत आती है, अगर यहाँ पे शोरा आ जाए तो बोल ऊपर नीचे नहीं होती है इस तरीके से, जैसे ये इस तरीके से ऊपर नीचे होने में भी दिक्कत आती है, तो इस चीज़ को आपने अच्छे से देखना है। तो यहाँ पे उसी तरीके से एडजस्ट करके, और ये जो पिन मैंने आपको निकाल के दिखाई थी स्टार्टिंग में, तो इसको हम पिन को फिर से इसी जगह पर लगा देंगे। और ये देखिए ये हमने लगा दिया, अब हम आपको इसका टेस्ट करके दिखाते हैं, बट ये हम निकाल के भी दिखाएंगे पानी जैसे निकलता है कैसे क्या हो रहा है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइस ये देखिए आपके सामने जैसे कि हमने बॉल को फिर से फिट किया है और इसके हमने पिन एक बार निकाल ली है, मैं आपको पूरा टेस्ट करके दिखाता हूँ। देखिए ये हमने ये यहाँ से पानी निकल रहा है, ये ऊपर को पानी निकल रहा है और नीचे देखिए पानी आपका काफ़ी प्रेशर के साथ, आपको साउंड भी सुन रहा होगा, पानी आ रहा है। अब यहाँ पे हमने उंगली लगा देंगे, थोड़ा सा कोई चीज़ लगा देंगे, जैसे मान के चलो हम इसी को ऊपर रख देते हैं, रखेंगे तो पानी हमारा बंद हो जाएगा। देखिए ये हमें रख दिया, ये देखिए ये, अब फिर मैं उंगली लगाता हूँ थोड़ा उसको प्रेशर बन जाता है, यहाँ पे देखा ये देखिए हमारा पानी बंद हो चुका है। और ये देखिए फिर से पानी आ गया, और अब फिर से मैं आपको उंगली लगा के दिखाता हूँ, ये देखिए। तो गाइस ये है एक प्रेशर के ज़रिए से काम बनता है, जो रबड़ रिंग पानी रोक देता है। और ये देखना फिर से लगाऊंगा मैं, ये देखिए आप नीचे देखिए, नीचे आपको दिख रहा होगा, जैसे कि मैं भी यहाँ से उठाऊंगा इसको, ये उठा दिया मैंने,
और नीचे पानी आना शुरू हो चुका है और ये बंद हो गया। इसी तरीके से गाइस ये बॉल को काम करता है, अगर दिक्कत हो तो इसी तरीके से इसको साफ़ किया जाता है। ये देखिए ये मैंने फिर से फिट कर दिया, यहाँ से ऐसे बंद हो जाएगा और ये ऐसे चल जाएगा, यहाँ से बंद हो जाएगा, ऐसे चल जाएगा। तो आपको अगर इसका हाइट वगैरह सेट करनी, नट वगैरह घुमा करके आप इसको लेवल सेट कर सकते हैं। तो तकरीबन इतना ही था जो आपको मैंने अभी बताया। जो इसी तरीके से मैं आपको पूरा टेस्ट करके इसका फ्लश करके दिखाता हूँ, क्योंकि ये इसका ढक्कन टूट गया था, आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये लीजिए, ये ढक्कन टूट गया था हमारा, पानी हमारा पूरे अच्छे तरीके से इसमें भर रहा है। और ये देखिए, और इसमें आपको फ्लश करके दिखाते हैं। जैसे ये बटन दबाऊंगा मैं इधर, ये देखिए ये नीचे देखिए गैस काफ़ी अच्छे तरीके से ये फ्लश हो चुकी है। जो कि हमने जो आपको दिखाना था मेन जो काम था हमारा, वो तो हमारा बॉल कॉक का था, ये देखिए। और तो गाइस आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि ये मैंने आपको कंप्लीट बॉल कॉक के बारे में बताया, बॉल कॉक को किस तरीके से ठीक किया जाता है। क्योंकि तकरीबन मैंने जितनी वीडियो आपको दिखाई है बॉल कॉक चेंज करके दिखाया, बट रिपेयर करके नहीं दिखाया। अगर आपका बॉल कॉक पानी नहीं रोक रहा, आप हाथ से चेक कर सकते हैं, ढक्कन उठाया और उसका वो बॉल वाला जो सिस्टम है, जो रोड होती है बॉल वाली, उसको हम उठाएं और उठा करके उसको अच्छे से आप चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद आपको खोल के मालूम पड़ जाए अगर आपकी रबड़ रिंग जो अगर टूटी हुई है या फटी है कहीं से, फिर आपका नहीं काम चलेगा। अगर आपका कहीं से कलर वगैरह कचरा वगैरह आ चुका है तो उसको हम ठीक कर सकते हैं। तो गाइस मेरी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और जो भाई चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।